नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 17 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 16 अगस्त तक रहेंगे। कैसे अपना प्रभाव देंगे कर्क में रह करके सूर्य, आज मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो राशि परिवर्तन है सूर्य का कर्क में, काफी महत्व रखेगा क्योंकि एक महीने के लिए रहेगा और ये सूर्य की कर्क राशि में संक्रांति होगी। क्योंकि जब भी सूर्य केंद्र भाव से ट्रांजिट करते हैं तो उनका अपना एक अलग महत्व रहता है। सूर्य जब कर्क में आते हैं तो यही टाइम होता है जब बारिश की शुरुआत होती है, या एक तरीके से कह लीजिए कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका रहता है। तो इस टाइम को कैसे उपयोग करें, कैसे यहाँ पर सूर्य अपना प्रभाव देते हैं, ये सारी चीजें जो है समझने की रहेंगी। और साथ में जब कर्क में सूर्य प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इनका गोचर 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेगा, जिसमें ये गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र से निकलेंगे 1 चरणों से, उसके बाद पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है उसके 4 चरण, और आश्लेषा बुध के 4 चरणों से होकर के इनका ट्रांजिट होगा। तो जो सूर्य ग्रह है ये, अगर आप इसको काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो एक त्रिकोण के मालिक होकर के ये केंद्र स्थान में जा रहे हैं, तो ऐसे एक बहुत मजबूत और अच्छी स्थिति कही जाएगी। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो नक्षत्र इनको मिलेंगे वो इनके लिए काफी महत्व रखते हैं। गुरु इनके मित्र का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्रों से जब ये जाएंगे, हालांकि शनि शत्रु ग्रह है इनके लिए, लेकिन फिर भी ये नौकरी से संबंधित इवेंट्स दे सकते हैं। और जब ये बुध के नक्षत्र से जाएंगे आश्लेषा से, तो वो भी इनके मित्र का नक्षत्र है, तो नक्षत्रों का इनको काफी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आप लोग जो भी लोग इस ट्रांजिट को समझिएगा, तो आपके नेटल चार्ट में कुंडली में जहां पर सूर्य ग्रह बैठे हुए होंगे आपको उस भाव का रिजल्ट मिलेगा। जहां पर आपके गुरु बैठे होंगे, शनि बैठे होंगे और बुध ग्रह बैठा होगा, उन जगहों से भी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में यही सारे ग्रह जिन हाउसेस के लॉर्डशिप लेकर के चलते हैं उन भावों का भी आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तब अधिक मिलेंगी जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पर सूर्य ग्रह आ रहे होंगे, या गुरु, शनि और बुध ग्रह डीबी में कहीं अपना कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे, तभी आपको ये परिणाम अधिक देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट बहुत सामान्य तरीके से निकल जाएगा और आपको इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ट्रांजिट में, जो सूर्य आ रहे हैं कर्क में, ये गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप लोगों को तभी इसका रिजल्ट अच्छे से या बहुत मजबूती से दिखाई पड़ेगा। जब आपकी महादशा से इस ग्रह का संबंध बनेगा, या कोई प्लेनेट आपके सूर्य के नक्षत्रों में बैठे हुए हों और उनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर कहीं चल रही हो, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके नेटल चार्ट से जुड़ करके ही सूर्य आपको प्रभाव देंगे, नहीं तो सामान्य तरीके से गोचर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जब सूर्य कर्क में प्रवेश करेंगे तो इनको जो पूरा 30-31 जुलाई तक का टाइम पीरियड है वहां पर ये बुध के साथ में रहेंगे, क्योंकि बुध भी कर्क में गोचर कर रहे होंगे। फिर 6 अगस्त के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहां पर सूर्य को शुक्र भी मिल जाएंगे, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तक सूर्य बुध के साथ में रहेंगे कर्क में, तो ये टाइम पीरियड में सूर्य काफी अच्छे से रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनको अपने मित्र का साथ मिलेगा। और दूसरा, जिसके राशि में है, चंद्रमा के राशि में, वो भी सूर्य के लिए मित्रवत राशि है, तो काफी अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पर सूर्य। लेकिन जब शुक्र आ जाएंगे 6 अगस्त के बाद से लेकर के पूरा 17 अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो सूर्य के साथ में शुक्र ग्रह भी रहेंगे, तो वहां पर सूर्य का जो रिजल्ट करने का तरीका रहेगा उसमें थोड़ा सा
परिवर्तन होगा, या वो अपना प्रभाव उतना खुल करके नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके साथ में शत्रु ग्रह बैठा हुआ रहेगा। दूसरा ये भी रहेगा कि जब सूर्य कर्क राशि में रहेंगे तो इनको सामने से शनि की भी दृष्टि रहेगी इनके ऊपर, क्योंकि शनि वक्री होकर के मकर में आ जाएंगे। तो ये सब जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव है उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा सूर्य के रिजल्ट देने के तरीके पर। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि सूर्य पांचवी राशि सिंह के लॉर्ड हैं और ये चंद्रमा के घर में जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो सूर्य रिजल्ट करेंगे वो अच्छा करेंगे और डायरेक्ट 10th हाउस से संबंध बनाएंगे काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। और दूसरा ये भी है कि सूर्य ग्रह को आप समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है, ये राजा है ग्रहों का, प्रशासक है ये, और सारी चीजें इसके अंदर है, अथॉरिटेटिव प्लेनेट है ये, और पिता का भी कारक है, हड्डियों का कारक है, और ये चंद्रमा के राशि में जा रहा है जो कि मदर की राशि है, जो नर्चर करने वाला नेचर होता है, जो सुख की राशि है, भावनाओं की राशि है, वहां पर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य तेज ग्रह है, इनको भावनाओं से कोई बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मित्र के घर में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा कारकत्वों से जोड़ करके समझेंगे तो सूर्य की कर्क राशि के प्रवेश को आप समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ से सूर्य की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होती है, क्योंकि वो मेष में उच्च के रहते हैं और कर्क के बाद ये धीरे धीरे इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आती है। फिर भी नक्षत्रों का सपोर्ट मिलने की वजह से रिजल्ट काफी हद तक अच्छा देंगे और कुछ राशियों के लिए विशेष अच्छे रिजल्ट देंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए, मेष वालों के लिए मैं बताऊंगी, देखिए जितने भी मेष वाले लोग हैं आपके लिए सूर्य आपके 4th हाउस में आएंगे और ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th में आएंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आप लोगों के लिए जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है वहां पर ये आपको काफी अच्छा लाभ देंगे। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ये सूर्य काफी लाभ देने का काम करेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि बहुत से बच्चे इस टाइम पीरियड में किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस हो सकते हैं, जिस तरीके से सूर्य नक्षत्रों से संबंध बनाएंगे, तो ये समय आप लोगों को इस तरीके से सफलताएं लेकर के आ रहा है मेष वालों के लिए। और सूर्य यहाँ पर बैठ करके डायरेक्ट आपके प्रोफेशन में वृद्धि देने का काम करेंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना रहेगा कि 30-31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, अंदरूनी जो चीजें होती हैं, वहां पर थोड़ा सा सौहार्द बना करके रखिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है और इनके ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट रहेगा, तो घरेलू पक्ष में थोड़ा बहुत एक तरह से जो तनाव जैसी स्थितियां हो जाती है अचानक से, उस तरह का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। तो आप अपने नेचर का, अपने स्वभाव का, जो भी आपका रिएक्ट करने का तरीका है, उन चीजों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब सूर्य 6 अगस्त के बाद यहाँ पर शुक्र का साथ हो जाएगा, तो वो जो समय रहेगा, जितने भी मेष वाले लोग हैं, आप लोग अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, उनके साथ डिस्प्यूट मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वही टाइम पीरियड रहेगा जब सूर्य आप लोगों के लिए आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आकर के सूर्य आप लोगों को पैसों से संबंधित जो चीजें होती हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, उन सभी के माध्यम से आप आर्थिक लाभ भी देंगे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके व्यापार करते हैं या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देने का काम करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी के माध्यम से आपके लिए कुछ आर्थिक लाभ करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर काफी लाभ देने का काम करेंगे। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा टाइम पीरियड सूर्य का जो कर्क में गोचर है, ये आपके लिए सफलताएं लेकर के आ रहा है, कार्य क्षेत्र में विस्तार, कॉम्पिटिशन में सफलता। लेकिन इसी के साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ
थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी, और जो आपके प्रोफेशनल वाला एरिया है वहां पर लोगों के साथ में थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिएगा, फिर आपको ये गोचर अच्छा रिजल्ट दे देगा। और मेष वालों के लिए विशेष रूप से जो स्थितियां बनी हुई हैं, थोड़ा आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जरूर एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मंगल और राहु आपके लग्न स्थान में है और आपके फोर्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि जा रही है, और 6 अगस्त के बाद यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे, तो ये जो मंगल और सूर्य का एक कंबाइंड इफेक्ट रहेगा शुक्र के ऊपर, तो ये आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है कि कुछ मतभेद दे दे, तो वहां पर आपको सावधानी रखने की बहुत जरूरत रहेगी। अगर आप इतना संभाल कर लेते हैं तो ये सूर्य आपके कर्क राशि में आकर के कुछ आपको सफलताएं देंगे, चाहे वो आपके जॉब से जुड़ करके हो, व्यापार से जुड़ करके हो, या आपके पढ़ाई लिखाई कंपटीशन से जुड़ करके हो। ओवरऑल ये है कि रिजल्ट अच्छा मिलेगा। संबंधों का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं और ये आपके लॉर्ड हैं फिफ्थ हाउस के। देखिए ये जो टाइम पीरियड है आपकी मेहनत पराक्रम को काफी बढ़ा देगा। हो सकता है कि जितने भी वृषभ वाले लोग हैं इस टाइम पीरियड में काफी मेहनत करना शुरू कर दें, और आप अपनी मेहनत के द्वारा काफी लाभ भी अर्जित करेंगे, और भाग्य का, पिता का, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, किसी तरह की आपके लिए यात्राएं भी शुरू हो सकती हैं। इस तरीके से आपके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ देंगे। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा, आपके मेहनत पराक्रम के द्वारा आपके लिए सूर्य कुछ आर्थिक लाभ करवाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ शेयर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए भी सूर्य यहाँ पर काफी लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग किसी तरह के मास मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी सूर्य यहाँ पर काफी मजबूती देने का काम करेंगे, और ये आप लोगों के लिए अचानक से लाभ की स्थितियां भी निर्मित करवाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा, जो आपके घर में बड़े लोग हैं, जैसे आपके फादर हैं, जो आपसे बड़े लोग जो भी हैं आपके फैमिली मेंबर में, उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल जरूर बना लीजिएगा, और आपका जो लाइफ, जो आप स्वयं हैं, क्योंकि जब ये शुक्र के साथ में अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे 6 अगस्त के बाद में, तो वो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आपकी मेहनत पराक्रम तो बढ़ ही जाएगी, आपका काम करने का जो तरीका है उसमें काफी मेहनत मशक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। वहां पे किसी तरह के छिटपुट वाद विवाद डिस्प्यूट इस तरह के सिचुएशन में भी आपको ला सकते हैं सूर्य, इतना आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। घर के जो बड़े लोग हैं, स्पेशली जो आपके फादर हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का एस्पेक्ट आएगा सूर्य के ऊपर, ये जो स्थितियां होती हैं कई बार, जो घर के बड़े लोग हैं या जो लोग सर्विस कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट सर्विस में हो, तो कई बार ये आपके जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, ये संबंध उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट या तरीके का जो विरोधाभास वाली चीजें होती हैं, एक तरीके से हर्ट जैसी स्थितियां भी देता है, तो थोड़ा सा संयमित होकर के रहिएगा। और वृषभ वालों के लिए जो ये गोचर है काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके थर्ड हाउस से जा रहे हैं, परिवार से थोड़ा दूर जाने के योग आपके इस टाइम पे निर्मित हो सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो, आपके सर्विस की वजह से हो, या आपके कार्य व्यवसाय की वजह से हो, लेकिन ये पीरियड आपको घर से दूर ले जा सकता है, जो कि फाइनली आपको यात्राओं से जोड़ करके आर्थिक लाभ देने का काम करेगा। अच्छा गोचर कहा जाएगा सूर्य वालों के लिए। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए आपके लिए जो सूर्य है आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है और आपके वाणी भाव में आ रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है मिथुन वालों के लिए, ये आप लोगों को पैसों से संबंधित लाभ जरूर करवाएगा, और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप कुछ बड़ी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपका बिजनेस है, व्यापार है, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। कोई आप अपने बिजनेस से जुड़ करके अगर कोई डील कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ नई चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़ करके या अपने व्यवसाय से जुड़ करके, वहां पर सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। एक तो आप अपनी वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका कम्युनिकेशन का तरीका है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है और ये आपके लिए कई बार वाणी में एक तेजी लाने की वजह से, क्या बहुत ज्यादा ईगो आने की वजह से क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सहमित होकर के रहिएगा। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है,
और ये आपके लिए आर्थिक लाभ भी देने का काम करेंगे। थोड़ा आप अपनी आईज का ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य ट्रांजिट में आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो आंखों को थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, क्या जो टीथ वाला एरिया होता है वहां से संबंधित चीजों में आपको छिटपुट दिक्कतें दे सकते हैं, कुछ खर्चे आपके करवा सकते हैं। और जब ये सूर्य 6 अगस्त के बाद शुक्र के साथ में आएंगे, तो थोड़ा आप अपने बच्चों के साथ में तालमेल बनाइएगा, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो अपने रिश्ते का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। वहां पर सूर्य थोड़ा थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका इन लॉज वाला साइड है, उन फैमिली मेंबर्स के साथ में भी आपको तालमेल बना के रखने की आवश्यकता रहेगी, विशेष रूप से 6 अगस्त के बाद, क्योंकि शनि आपके एर्थ हाउस से सूर्य से संबंध बनाएंगे, जिससे संबंध, तो जो ससुराल पक्ष है वहां से थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। लेकिन ये जरूर है कि मिथुन वालों के लिए आर्थिक लाभ और बिजनेस में कुछ आपका बड़ा कुछ पॉजिटिव साइवेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध भी आपको मिलेंगे, जो कि आपके लग्नेश है और आपके छठवें भाव के भी मालिक है। तो सूर्य और बुध जो आपको 16 जुलाई से लेकर के जुलाई लास्ट तक का टाइम है, 30 से 31 जुलाई तक का, वो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, इस तरह के इवेंट्स आपको देगा। काफी मेहनती आप हो जाएंगे, आप अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है पैसे की प्राप्ति करेंगे। ओवरऑल ये है कि मिथुन वालों के लिए सूर्य सेकेंड हाउस में आकर के पैसों से संबंधित कुछ शुभता जरूर देंगे। थोड़ा सा आइज का ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर्स के साथ ध्यान रखना है, क्योंकि राशि का इनको सपोर्ट मिल रहा है। सेकंड हाउस से सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये अपने मित्र के घर, चंद्रमा के घर में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए नक्षत्रों से कनेक्शन बना करके लाभ अवश्य करवाएंगे। बच्चों से तालमेल बनाइएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, आपके लिए कर्क वालों के लिए सूर्य आपके धन भाव के मालिक है और लग्न स्थान में आ रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति है। ये टाइम पीरियड आप लोगों को पैसों से संबंधित लाभ देगा, कुछ आपको पैसों की प्राप्ति करवा देगा, और ये टाइम पीरियड आप लोगों के अंदर मेहनत भी बहुत भरेगा। आप काफी मेहनती वाले मोड में आ जाएंगे, अपने कार्यों को करने के लिए आप काफी प्रयास करना शुरू कर देंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे, और स्पेशली उन लोगों को जो कि किसी तरह के टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। आपके लग्न स्थान पे आएंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर जो एक आपकी पर्सनालिटी है, जो आपके आपकी पूरा आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो काफी प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि लग्न स्थान में सूर्य आ रहे हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं लग्न से। मित्र के घर में आ रहे हैं तो ये आपको समाज में स्थापित करवाने का भी काम करेंगे, और ये चीजें आपके लिए तब और भी बढ़ जाएंगी जब आप किसी भी हायर अथॉरिटी से जुड़ करके अगर आपका कुछ कार्य व्यवसाय है, जैसे कि सोसाइटी में कुछ भी आप बड़े पदों पर हैं या किसी अच्छी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, और तब आपके ये सूर्य लग्न स्थान पे आ रहे हैं, तो ये आपको काफी नेम फेम प्रसिद्धि देने का भी काम करेंगे। जो लोग सर्विस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफी लाभ देने का काम करेंगे। जो बच्चे उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी से जुड़ करके, हायर स्टैंडर्ड से जुड़ करके, वहां पर आपके लिए सफलता के भी योग निर्मित करेंगे, क्योंकि आपके लग्न स्थान में आकर के आपके त्रिकोण भाव से संबंध बनाएंगे, तो ये आपको काफी लाभ देने का काम करेंगे। सावधानी आपको एक चीज की रखनी रहेगी कि थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए द्वादश भाव के भी मालिक है, तो कुछ खर्चे करवाएंगे आपके ऊपर। वो खर्चे आप अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कर सकते हैं, या आपके हेल्थ के ऊपर कुछ पैसे खर्च करवा दें, या आप स्वयं के ऊपर ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा कि यहाँ पर सूर्य के ऊपर शनि का एस्पेक्ट आएगा, और जब ये 6 अगस्त के बाद शुक्र के नक्षत्र शुक्र के साथ में रहेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड होगा जहां एक और आपके लिए सुखों की वृद्धि करेगा, आपके लाइफ में लग्जरी को बढ़ा देगा, आर्थिक लाभ भी आपको देंगे, लेकिन आपको थोड़ा उस टाइम पे ध्यान रखना रहेगा अपने, आपके जो मदर हैं या जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में आप जरूर तालमेल बना लीजिएगा। और चूंकि शुक्र ग्रह आपके लग्न स्थान में आएंगे, और शुक्र जो नैसर्गिक रूप से कारक होता है वो स्त्री को दिखाता है, तो थोड़ा सा आप 6 अगस्त के बाद का टाइम जो रहेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठ करके कहीं ना कहीं आपके नेचर में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है, जो एगोइस्ट नेचर होता है, इस तरह की टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं। हालांकि कर्क की राशि में है, इसलिए राशि सौम्य है, तो बहुत नेगेटिव तो नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य अपने आप में ही काफी तेजस्वी ग्रह है, तो कहीं ना कहीं नेचर में भी उन चीजों को लाने का काम करेगा, और शनि की दृष्टि जाएगी, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जरूर तालमेल बना करके चलेगा।
कर्क वालों के लिए जहां ये कुंडली फेम प्रसिद्धि के योग बनेंगे, आर्थिक लाभ करवाएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, वहीं जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल ये है कि कर्क वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा क्योंकि लग्न से सूर्य का गोचर हो रहा है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए सिंह वालों के लिए आपके लग्नेश और 12वें भाव में जा रहे हैं, अपने से द्वादश जा रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि लग्नेश अपने से द्वादश स्थान में जा रहा है, कुछ आपके ऊपर अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। पैसे व्यय होने के भी योग आपके लिए बनेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा कि जब आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, या जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके है, अब्रॉड से जुड़ करके, या आपके जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके है, तब तो ये सूर्य आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां बनेंगी कुछ ना कुछ आप सिंह वालों को पैसों का खर्चा होगा। सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, आप अपनी लेफ्ट आईज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी आंखों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जो कि टेम्परेरली होंगी। और दूसरे इसी के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना रहेगा कि जो लोग किसी भी तरह की सर्विस से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने एम्प्लॉइज के साथ में, जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं या जो सर्वेंट हैं आपके अंदर में, जो काम करने वाले लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उन लोगों के साथ जरूर आप तालमेल बना करके चलिएगा। वहां पर थोड़ा सा ये सूर्य आपको दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर शनि का एस्पेक्ट आएगा। हालांकि जो लोग विदेशों से जुड़ करके काम करते हैं, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का काम होगा, उनको ये सूर्य पैसों से संबंधित भी लाभ देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक लाभ देगा। ये टाइम पीरियड रहेगा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह के वीजा वगैरह के लिए प्रयासरत थे, कहीं बाहर जाकर के पढ़ना या कुछ भी जो हायर स्टडीज से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उन स्टूडेंट को यहाँ पर जरूर लाभ मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपको एजुकेशनल ट्रिप दे सकता है या ऐसे भी कहीं आप बाहर घूमने जाएं, इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं सूर्य के द्वारा। और एक चीज और भी है कि आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ आपके लिए विदेशों से जोड़ करके ये देंगे। फिर भी ये जो गोचर है सिंह वालों के लिए औसत गोचर कहा जाएगा। स्वास्थ्य जरूर ध्यान रखिएगा, छिटपुट आपके पैसे खर्च होंगे हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर। और विशेष रूप से 6 अगस्त के बाद जरूर ध्यान रखिएगा अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजों के लिए। ये टाइम पीरियड है जब बहुत से लोग अचानक से जॉब में चेंजेस का भी प्लान कर सकते हैं, तो थोड़ा वहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो लोग एमएनसी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, कहीं दूर स्थान से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सूर्य लाभ भी करवाएंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र के साथ में सूर्य का संबंध बनेगा और जो शुक्र होता है नैसर्गिक रूप से वो स्त्री को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो वो जो टाइम पीरियड होगा आपके राशि के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, तो शुक्र आपके थर्ड हाउस और आपके 10th हाउस के लॉर्डशिप लिए हुए हैं। तो जो आपका छोटे भाई बहनों वाला साइड है, जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का साथ है, उन लोगों के साथ में तो आपको संबंधों का ध्यान रखना ही रखना है 6 अगस्त के बाद। लेकिन वाइफ के साथ में भी रखिएगा क्योंकि स्त्री का कारक होता है शुक्र और सूर्य के साथ में आएगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरह एक टेम्परेरी थोड़ा सा मन दूरी मनमुटाव इस तरह की स्थितियां दे सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपको विदेशों से लाभ के योग निर्मित कराएंगे या जो लोग बाहर कहीं रह के ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए सूर्य लाभ देंगे। आईज का अपने जरूर ध्यान रख लीजिएगा, फिर भी आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सूर्य है आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लॉर्ड हैं आपके 12वें भाव के। देखिए 12वें के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं, तो ये क्या करवाएंगे आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां तो ये अवश्य निर्मित कराएंगे। थोड़े से खर्चे भी आपके होंगे लेकिन वो जो खर्चे भी होंगे वो अच्छी चीजों के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए लग्न भाव और आपका जो 10th भाव है उससे संबंध बनाएंगे। आश्लेषा के नक्षत्रों से जब ये जाएंगे तो एक तरीके से सूर्य आपके 11वें भाव में बैठ करके आपके लिए काफी आर्थिक लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन से संबंधित भी इवेंट आपको ये देंगे क्योंकि आपके लग्नेश और आपके 10th भाव का रिजल्ट करेंगे जब ये आश्लेषा के नक्षत्र से जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये सूर्य आपके 5th हाउस से भी संबंध बनाएंगे, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। बच्चों के साथ में थोड़ा सा आप लोग तालमेल बना लीजिएगा, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है वहां ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको ये सूर्य
लाभ अवश्य करवाएगा। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, हायर अथॉरिटी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या बड़े बड़े जो पदों पे हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर नेम फेम पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देने का काम करेंगे। आपके व्यवसाय की वृद्धि करेंगे, जो आपका बिजनेस है, जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनकी वृद्धि करेंगे। मदर की सेहत का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जो आपका सर्विस वाला एरिया है, जहां पर आप नौकरी करते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए वहां पर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वहां पर कुछ आपको थोड़ा सा विरोधाभास या डिस्प्यूट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो आपके बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह की ट्रेडिंग में, प्रेम संबंधों में लगे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में बैठ करके दृष्टि से आपके पंचम भाव से संबंध बनाएंगे और नक्षत्रों से भी बनाएंगे ये रिलेशन। तो ये आपके फिफ्थ हाउस और आपके सिक्स हाउस को एक्टिवेट करेंगे। हालांकि 11वें भाव में है, इसलिए ये आपको ओवरऑल तो काफी लाभ देने का काम करेंगे, फिर भी आप तालमेल बना करके चलिएगा। और जो आपको तालमेल बना करके चलना है, वो आप अपने पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपके फादर हैं या जो आपसे बड़े लोग हैं, उन लोगों का, आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, कोई उनसे डिस्प्यूट नहीं होने पाए, इतना आप ध्यान रख लेते हैं। तो कन्या वालों के लिए ये सूर्य लाभ देंगे, हालांकि खर्चे भी करवाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित कराएंगे, कहीं ना कहीं आपको स्टेब्लिश करने का काम करेंगे। अच्छा गोचर कहा जाएगा कन्या वालों के लिए, क्योंकि 11वें भाव से सूर्य का गोचर काफी अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके दसम भाव में आ रहे हैं, कर्म भाव के, सॉरी, लाभ के मालिक हूँ, 10वें भाव में आ रहे हैं, काफी अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। ऊपर से इनको बुध का साथ मिलेगा, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा 16 जुलाई से लेकर के करीब 30-31 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीजें दिलवा सकता है। काफी आपके लिए अच्छी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा आपके लिए भाग्य की वृद्धि कराएगा। जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके, एमएनसी वगैरह से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देने का काम करेंगे। और ये समय रहेगा जब आपके लिए किसी तरह का प्रमोशन, कोई प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसमें आपको एक प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, जो आपकी घरेलू चीजें होती हैं, वहां पर सूर्य का संबंध शनि के साथ में बनेगा आस्पेक्ट के थ्रू, तो थोड़ा पारिवारिक वातावरण डिस्टर्ब नहीं होने पाए, वहां पर किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मदर की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि सूर्य शनि का जो संबंध बनेगा, शनि आपके लिए, आपके जो कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, वक्री होकर के आ रहे हैं मकर में, तो वक्री शनि का आस्पेक्ट आएगा सूर्य के ऊपर, तो ये जो स्थिति होती है थोड़ा घरेलू पक्ष के दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर तनाव दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपके लिए नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं सूर्य। 6 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, जहां एक और आपको ये ऊंचाइयां देंगे, हालांकि आपके लिए तरीके से राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित कराएंगे 6 अगस्त के बाद, क्योंकि लग्नेश शुक्र और सूर्य जो आपके एकादश के मालिक हैं, और सूर्य आपके दसम भाव में आएंगे कर्क की राशि में, तो ये टाइम पीरियड बहुत से तुला वालों के लिए नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन प्रोफेशन करियर को जबरदस्त उछाल देने वाला टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन इसी के साथ जितने भी मैरिड लोग हैं, लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट करिएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का जो संयुक्त प्रभाव रहेगा, शुक्र स्त्री को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से थोड़ा सा मतभेद देने का काम कर सकता है। लेकिन ये एरिया आपके दसम भाव में पड़ रहा है, तो आप अपने प्रोफेशन के लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि शुक्र आएंगे तो शुक्र को रिजल्ट देना रहेगा लग्न का और अष्टम भाव का, तो वहां पर जो टाइम पीरियड शुरू होगा 6 अगस्त के बाद से, अचानक से आपके जॉब से रिलेटेड चीजों में आपका मन करेगा बदलाव करने का, तो किसी भी तरह के चेंजेस करने के पहले थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके सोचिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए जरूर पैदा होंगी 6 अगस्त के बाद। तो जितने भी तुला वाले लोग हैं, प्रोफेशन में आपको प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जॉब चेंजिंग को लेकर के थोड़ा सा संभल करके निर्णय लीजिएगा। हालांकि ये है कि ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा है, आप इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं और आपके प्रोफेशन में काफी मेहनत बढ़ने वाली है। जब यहाँ पर सूर्य आएंगे कि नक्षत्रों के थ्रू जब इनका संबंध बनेगा गुरु से, तो ये आपके लिए मेहनत पर आप इन सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन में लाएंगे, तो आप काफी मेहनत मशक्कत करके अपने लिए नेम फेम प्रसिद्धि ये सारी चीजें आप अर्जित करने जा रहे हैं। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा तुला वालों के लिए, एक्सीलेंट गोचर है।
फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए आपके लिए सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा गोचर है आपके लिए। दशम का मालिक आपके कर्म भाग्य भाव में आ रहा है, भाग्यवश चीजें आपके लिए काफी प्रोग्रेस की हो जाएंगी, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए है। 9वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहता है, बुध का इनको साथ मिला रहेगा तो जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए कुछ आर्थिक लाभ करवाएगा पिता के द्वारा। भाग्य वश चीजें आपके लिए काफी सपोर्ट में जाएंगी, काफी आप मेहनती हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपको मेहनत पराक्रम पुरुषार्थ इन चीजों की वृद्धि करवाएगा, आप इन अपने प्रयास के द्वारा चीजों को प्राप्त करेंगे। जो लोग हायर अथॉरिटी से जुड़ करके सॉरी हायर स्टडीज से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर काफी लाभ मिलने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हैं उनको भी यहाँ पर सूर्य लाभ दिलवाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पिता की सेहत का, जरूर आप ध्यान रखिएगा। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं ये जो टाइम पीरियड है विशेष रूप से 16 जुलाई से लेकर के 30-31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, आप अपने पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। उनके साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा, उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के योग बन सकते हैं आपके लिए। इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को लाभ भी करवाएगा, आपको समाज में स्थापित करने का भी काम करेगा। जो आपके सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखिएगा। आपका पराक्रम मेहनत ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, मेहनती आप काफी हो जाएंगे। लेकिन रिलेशनशिप जो फ्रेंड सर्कल है या आपके फादर हैं या जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होने पाए, वैचारिक मतभेद ना होने पाए, उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा कि सूर्य के ऊपर शनि का आस्पेक्ट आएगा। तो थोड़ा सा ये जो दृष्टि संबंध होता है कई बार रिलेशन को खराब कर देता है। चीजें तो आपको मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य और शनि का जो आमना सामना है ये आपको अचीवमेंट्स में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेगा, रिश्तों को बस बिगाड़ते हैं ग्रह, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर भी ये है कि वृश्चिक वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा और ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को करेगा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर काफी अच्छा है। हो सकता है किसी टाइम में वृश्चिक वाले जो कुछ बच्चे हैं किसी तरह के कॉम्पिटिशन को निकाल ले जाए, कोई कॉम्पिटिशन आप इस टाइम पीरियड में उसमें आप उसको आप क्रैक कर लें, क्योंकि आपके काफी अच्छी स्थिति बनी हुई है। जब सूर्य आपके आ जाएंगे यहाँ पे 9th हाउस में, गुरु ऑलरेडी आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल और राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, ये जो टाइम पीरियड है वृश्चिक वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आपका महादशा डीबीए वगैरह सपोर्ट कर देगा, महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह आपको अच्छा सपोर्ट कर देगा, तो टाइम पीरियड में आप बहुत जी जान लगा करके आप कोई कंपटीशन निकाल सकते हैं या आपको कुछ मनचाही चीजें मिल सकती हैं अपने एजुकेशन से जुड़ करके, अपने हायर स्टडीज से जुड़ करके। जो लोग सर्विस वगैरह में हैं उनको भी यहाँ पर काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। थोड़ा आपको ध्यान जो रखना रहेगा अपने पिता की सेहत का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। वृश्चिक वालों के लिए जो ये गोचर है सूर्य का बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है, बहुत आपको लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य के ऊपर गुरु का भी एस्पेक्ट आ रहा है जो कि आपके लिए पंचम के मालिक हैं और आपके धन भाव के मालिक हैं। सूर्य से संबंध बना रहे कर्म, एक्चुअली जो वृश्चिक वाले लोग हैं पूरा टाइम पीरियड आप लोग को नेम फेम पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति सफलता सारी चीजें ला करके दे रहा है। सावधानी सिर्फ भाई बहनों के साथ संबंधों का रखिएगा और पिता की सेहत का, केवल दो चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपको मिलने जा रही है, आप इसका फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके 8ष्टम भाव में आ रहे हैं। देखिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएगा, आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे, पैसों की दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। लेकिन पिता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये समय आपको कुछ एजुकेशनल ट्रिप दे सकता है, यात्राएं करवा सकता है। जो आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ थोड़ा आपको तालमेल बनाना है। और हालांकि जो आपका पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है उसके लिए धन की वृद्धि होगी, उसके धन में वृद्धि होगी। जितने भी धनु वाले हैं आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के धन में तो वृद्धि की स्थितियां निर्मित होंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, आइज का, कोई भी गलत काम मत करिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सूर्य 8ष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और ये आपके लिए आपके लग्न स्थान और सुख स्थान का भी रिजल्ट करेंगे। तो जो लोग तो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए ये सूर्य काफी लाभ देने का काम करेंगे, विशेष रूप से जो लोग किसी तरह के अध्यात्म या किसी तरह के रिसर्च से, तंत्र मंत्र साधना, किसी तरह के
जो गूढ़ विषय होते हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको तो सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ करवाएंगे, लेकिन जो लोग किसी भी तरह के गलत कार्यों में लिप्त होंगे उनको यहाँ पर सूर्य पनिशमेंट दे सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और 6 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहां पर आप विशेष रूप से सावधानी रखिएगा, जिन लोगों को किसी तरह के कोई डिजीज वगैरह है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा, जरा भी लापरवाही मत करिएगा। जो आपके बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के साथ में आप तालमेल बना करके चलिएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा और जो भी स्त्री वर्ग है उन लोगों से थोड़ा सा आप सावधानी बना करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य को शुक्र का साथ मिलेगा और शुक्र आपके लिए 6वें के मालिक है और आपके 11वें भाव के मालिक है, तो जब सूर्य शुक्र साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं, चाहे आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं या किसी तरह की जो गलत एक्टिविटीज होती है उनमें भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो पहले से अगर कुछ ऐसा है तो उसको आप संभाल करके चलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मंगल का भी आस्पेक्ट रहेगा, 4th आस्पेक्ट रहेगा। तो जितने भी धनु वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों को, जो लोग अच्छे कार्यों से जुड़े हैं उन्हें तो सूर्य यहाँ पर लाभ देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि का भी आस्पेक्ट आएगा, तो पैसों से संबंधित तो रिजल्ट आपको मिलेंगे, आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे, लेकिन परिवार के अंदर किसी तरह का तनाव कलह क्लेश नहीं होने पाए इसके लिए आपको सावधान होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल धनु के लिए गोचर औसत गोचर कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य का 8वां गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, राशि लॉर्ड उनका मित्र है, इसलिए कुल मिलाकर के ठीक ठीक सा गोचर आपके लिए रहेगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए मकर वालों के लिए सूर्य आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, आपके 8वें भाव के मालिक हैं और आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, तो पहला काम आप ये करिएगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि अपने से द्वादश जा रहे हैं सूर्य और वो भी मकर वालों के लिए बहुत ही अकारक अच्छे ग्रह नहीं होते सूर्य, तो बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के भाव में जा रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है और इसी के साथ साथ आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न से शनि का आस्पेक्ट आएगा सूर्य के ऊपर। ये टाइम पीरियड आपके लिए व्यापार बिजनेस इन चीजों की तो जरूर वृद्धि करेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा और विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। ये जो गोचर है 7वां गोचर सूर्य का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की जो बैकग्राउंड में इनको राशि मिलती है वो तुला रहती है, जो कि नीच की राशि होती है इनकी, और आपके लिए ये गुरु का भी रिजल्ट करेंगे सूर्य 17 जुलाई से। तो ये जो समय रहेगा आपके 3rd हाउस और आपके 12वें भाव से जुड़ करके सूर्य यहाँ पर रिजल्ट देना शुरू करेंगे, जिनके साथ में बुध हैं, तो ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बिजनेस वगैरह कहीं दूर से जुड़ करके है वहां तो ये आपके लिए कुछ खर्चे करवाएंगे, कुछ आप पैसों का खर्च करेंगे अपने व्यापार के वृद्धि के लिए, तो व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से तो गोचर ठीक रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। आप अपने स्वयं के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपको ये करना है कि ये टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से पैसों का भी लाभ होगा, तो ये गोचर ओवरऑल आपको पैसों से संबंधित शुभता देगा लेकिन रिलेशनशिप में आपको दिक्कत देगा, तो सावधानी आपको रखना है। पार्टनर के साथ आप बहुत ज्यादा तालमेल बना करके चलिएगा। अगर कहीं इस टाइम पे आप लोग किसी की महादशांतर प्रत्यंतर कोई अकारक ग्रहों की दिक्कत वाली चल रही होगी तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड आप लोगों को पार्टनर के साथ में जबरदस्त मतभेद करवा सकता है, जहां एक और आपके लिए व्यापार बढ़ाएगा वहीं पार्टनर से जबरदस्त विवाद, पार्टनर के हेल्थ में किसी तरह की दिक्कतें दे सकता है। और 6 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो समय आपके लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, आपका मन ऐसा हो सकता है कि आप शादी करने के लिए मैरिज की ओर आप आगे बढ़े, इस तरह के आपके अंदर बार बार थॉट आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, समय उसके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा, मैरिज का प्लान करने के लिए थोड़ा रुक करके तब आप विचार करिएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ में रहेंगे तो वो निर्णय हो सकता है कि आगे चल करके कुछ नेगेटिव रिजल्ट में बदल जाए, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा और अपने पार्टनर के साथ आप जरूर बना करके चलिएगा, विशेष रूप से 6 अगस्त के बाद। ओवरऑल ये है कि मकर वालों को काफी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, आपके लिए ये गोचर कुल मिलाकर के एवरेज सा है, दिक्कत मिल सकती है आपको। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, आपके 7वें भाव के मालिक हैं, 6वें भाव में आ रहे हैं। देखिए पहला काम आपको सीधे सीधे ये करना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाइएगा, उससे उसके
उसके साथ में एक डिस्प्यूट जैसी स्थितियां बन सकती हैं, हालांकि टेम्परेरी ही रहेगा फिर भी। दूसरा ये रहेगा कि आप लग्नेश होकर के 12वें में चलेंगे, वो भी वक्री होकर के, और लाइफ पार्टनर के मालिक होकर के सूर्य छठे में आ रहे हैं। तो जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को मेरा सीधी सी सलाह ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल विवाद मत करिएगा। ये टाइम पीरियड आपको अलगाव भी दे सकता है। जिन लोगों की महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह खराब होंगी, ये टाइम पीरियड आपको डाइवोर्स के रूप में ले जा सकता है, सेपरेशन करा सकता है, किसी तरह के लीगल केसेस में आपको फंसा सकता है। ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये शनि और वक्री शनि और सूर्य का एक संबंध बन जाएगा। और दूसरा ये रहेगा आपके लिए कि बुध यहाँ पर रहेंगे 16 से लेकर के 30 31 अगस्त जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो बुध भी आपके 8वें भाव के मालिक और आपके 5वें भाव के मालिक हैं। आप अपनी बुद्धि का, अपनी एक्टिविटीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़े बदलाव मत करिएगा। हालांकि 6वें भाव से सूर्य का गोचर काफी अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ ये सूर्य एक और आप लोगों को सर्विस वगैरह में स्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी को इस टाइम पीरियड में नई जॉब भी मिल सकती है, इन सारी क्षेत्रों में आपको सूर्य लाभ देंगे। लेकिन जो सूर्य यहाँ पर आपको दिक्कतें दे रहे हैं या दे सकते हैं, वो आपके पार्टनर के साथ में कुछ मतभेद करवा सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वयं आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी आईज का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल कुंभ वालों के लिए जो ये गोचर है, जहां एक और ये आपको पैसों से संबंधित, नौकरी से संबंधित एक शुभता देने का काम करेंगे सूर्य यहाँ पर बैठ करके, सर्विस वाले एरिया को बढ़ाएंगे, वहीं ये आपके व्यापारिक पार्टनर और आपके लाइफ पार्टनर, आप जो स्वयं हैं, उसमें कुछ तनाव या हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं, उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि 6वां गोचर अच्छा है इसलिए सूर्य आपको सब अच्छा अच्छा रिजल्ट करेंगे। आप लोगों के कुंडली के लिए, कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके लिए 7वें भाव के मालिक हैं, और ये शत्रु राशि होती है कुंभ वालों के लिए, और इनका दृष्टि संबंध जो बन रहा है वो डायरेक्ट वक्री शनि से बनेगा। तो ये जो स्थिति होती है, एक तरीके से हेल्थ को बहुत ज्यादा दिक्कत देने का काम करती है। तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, तनाव से बचा करके रखिएगा आप लोग, कुंभ वाले लोग जितने भी लोग हैं, विशेष रूप से आप इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और विशेष रूप से जो बच्चे हैं या जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये काफी अच्छा है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता दिलवा सकता है। लेकिन जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है, प्रेम संबंधों में है, उनके लिए सावधानी बरतने का टाइम पीरियड रहेगा। कुंभ वालों के लिए सावधानी की जरूरत है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 5वें भाव में आ रहे हैं, आपके 6वें भाव के मालिक हैं। देखिए यहाँ पर आकर के सूर्य आपके लिए 5वें भाव से सूर्य का गोचर कुल मिलाकर के ठीक रहता है, मित्र के घर में है, बैकग्राउंड में इनको सिंह की राशि मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देगी, आप काफी रचनात्मक हो जाएंगे। ये समय आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। कुछ लोग किसी तरह के रिलेशन में होंगे तो वो मैरिज वगैरह का भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन यही समय रहेगा जब आपको थोड़ा सा तालमेल बना करके चलना है। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके बच्चे हैं, उन लोगों के साथ तालमेल बनाना है, उन लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये जो समय रहेगा जहां एक और आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, आपके सुखों में वृद्धि कराएगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सारी चीजें आपकी बढ़ती हुई जाएंगी, बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा, और अपने बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में तालमेल बनाइएगा, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं, चाहे वो सोसाइटी के बड़े लोग हैं, चाहे आपके ऑफिस से जुड़े हुए लोग हों, जो आपके साथ काम करते हैं उन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं और बच्चे लोग हैं, इन लोगों के साथ में आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। जो लेडीज प्रेगनेंट है उनको भी थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। ओवरऑल जो मीन वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा, ये आपके प्रोफेशन को बढ़ाएगा, जो आप स्वयं हैं आपको भी ये मजबूती देगा, आपके लिए आर्थिक लाभ भी लेकर के आएगा। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए आर्थिक लाभ भी देंगे यहाँ पर सूर्य। लेकिन कुछ चीजों की आपको जरूर सावधानी रखनी है, व्यापार बिजनेस सब कुछ बढ़ेगा आपका, लेकिन जब 6 अगस्त के बाद यहाँ पर शुक्र आएंगे तो जो टाइम पीरियड रहेगा आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपने बच्चों के साथ तालमेल बनाइएगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा, जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, अपने रिश्ते का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र का साथ मिलेगा और शुक्र आप लोगों के लिए 3rd और 8th के लॉर्ड हैं, और सूर्य को उनका साथ मिलेगा, तो सूर्य यहाँ पर खुल करके अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी पैदा कर देंगे।
क्योंकि शत्रु ग्रह इनको साथ में आ जाएगा, तो सूर्य का जो रिजल्ट है उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों की सेहत एवं संबंधों का ध्यान रखिएगा, हालांकि आर्थिक लाभ आप लोगों को जरूर होंगे, फिर भी ये है कि गुरु मीन वालों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस तरह से जो ये सूर्य का गोचर है, सबसे ज्यादा जो सावधानी रखनी है मकर वालों को और धनु वालों को, मीन को भी सावधानी रखनी है और कुंभ को, बाकी सभी के लिए कुल मिलाकर के ये सूर्य का गोचर जो है ठीक है। फिर भी 6 अगस्त के बाद आप सभी लोग जो फीमेल साइड होता है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो, जो लेडीज वाला साइड होता है, उन लोगों के साथ आप लोग बहुत बना करके चलिएगा, उनके द्वारा आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ में आएंगे तो सबसे पहले ये अपने कारकत्वों का ही, जो शुक्र के कारकत्व है उसमें ही कमी लाने का काम करेंगे, इस तरीके से आप समझिएगा। और सूर्य की आप कुछ रेमेडीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा गोचर है, 1 महीने का गोचर रहता है। अगर आपके इंटर चार्ट में सूर्य अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप सूर्य को मजबूत करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िएगा, सूर्य को जल चढ़ाइए, पिता का सम्मान करिए। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है आप अपने फादर का बहुत ज्यादा सम्मान करिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और कर्क में आ रहे हैं सूर्य, तो यहाँ से सूर्य की स्थिति कमजोर होना शुरू होगी। आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो है सूर्य जब कमजोर स्थिति में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको कमजोर करना शुरू करेंगे। तो अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, खूब कैल्शियम लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि सूर्य जो है जितनी चीजों के कारक हैं उसी को कमी करना शुरू करते हैं। जब कोई भी ग्रह जब कमजोर होता है तो अपने कारकत्वों को सबसे पहले वो उसमें कमी लाना शुरू करता है, उसके बाद फिर जो उसकी लॉर्डशिप वगैरह होती है उसके ऊपर प्रभाव आता है। फिर भी ओवरऑल ये है कि सूर्य कर्क के घर में जा रहे हैं, अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर रिजल्ट ठीक रहेगा। इमोशनल बैलेंस थोड़ा बना करके रखिएगा, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है और जल तत्व राशि में जा रहा है, तो एक तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस देने का काम कर सकता है। और बुध के साथ ये रहेंगे, शुक्र का इनको साथ मिलेगा, शनि की वक्री दृष्टि इनके ऊपर जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग रिलेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य शनि का जो ये संबंध होता है, वो जिस हाउस से जुड़ा हुआ जब संबंध इनका बनता है, तो जिस हाउस से कनेक्शन बनता है उस हाउस से जुड़े हुए रिश्ते के ऊपर ये जो है नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि लग्न और सप्तम है, तो या तो आप स्वयं या तो आपका लाइफ पार्टनर, इसी तरीके से अलग अलग हाउसेस को आप बना करके समझ लीजिएगा। शनि और सूर्य जब आते हैं आमने सामने, तो ये रिजल्ट को कई बार कुछ जगहों पे थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, तो जिन लोगों की महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह कहीं दिक्कत वाली चल रही होगी, तो वो लोग विशेष रूप से सावधानी रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का या जो भी रिश्ता बन रहा वहां से थोड़ा देख लीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग सूर्य के गोचर को समझ पा रहे होंगे, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं टाइम स्टैम्प दिए रहती हूँ, उससे जाकर के आप अपनी राशि का डायरेक्ट सुन लिया करिए। शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर सुनिएगा। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डालें तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।